नमस्कार दोस्तों, मैं जनत पाणी भाई। 3 दिन हो गया था, थोड़ा गैप हो गया था, थोड़ा दूसरे काम पर था, उसलिए वीडियो नहीं भेज पाया। आज एक वीडियो भेज रहा हूँ, देखिए दिल खुश हो जाएगा। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ठीक है, बताता हूँ, रुकिए एक मिनट। इसमें ये देख रहे हैं ना, एक क्योंकि मशीन मेरे पास नहीं है, मशीन के पास जाने से मैं वीडियो बना के सही से बता दूंगा। समझ लीजिए ये एक कप है, देखिए ये एक कप है, कप का अंदर, रुकिए मोबाइल रख के बताता हूँ। ये एक कप है, कप का ये जो पोजीशन है, जॉइंट हो गया, ओके जॉइंट पोजीशन हो गया। उनके बाद उसके बाद इसको फोर पोजीशन हो गया। ये जगह पे देखिए, ये जो जगह दिखाता हूँ, ये जो जगह पे कटिंग आएगा, कटिंग आएगा तो ये जो जगह पे कटिंग आएगा, मैं हाथ से बनाया हूँ उसलिए सही से नहीं आएगा, कटिंग आएगा। वो थंबनेल पे फोटो डाला हूँ, देख लीजिए, थंबनेल पे फोटो डालूंगा, देख लीजिए। वो जगह पे जब कटा आता है, नार्लिंग में ये प्रॉब्लम होता है, तो क्या कीजिए इसको, पहले तो देखिए कि क्या है ना, मोल्ड का अंदर जो बेरिंग रहता है ना, छोटा छोटा मोल्ड, मोल्ड का अंदर जो पिक्चर मोल्ड का लोहा जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको घुमाने पर घूमता है ना, वो नीचे वाला हिस्सा पर देखिए कि उसका जो कितना है, कितना नंबर का बेरिंग, 600 फैन बेरिंग कुछ बोलते हैं, 600 जैसा बेरिंग है वो, एक एक मोल्ड का साइज में एक एक तो बेरिंग साइज आता है, उसलिए मेरा बोलना ही बेकार है। उसलिए देखिए कि वो जो बेरिंग टूट जाएगा तो मतलब अटक जाएगा, जाम होगा तो ऐसा आएगा, पहला रीजन। अगर नहीं तो दूसरा रीजन क्या है, उसका नार्लिंग व्हील का अंदर जो नार्लिंग स्टेज के बारे में बताया था, और मशीन के पास जाके बराबर बना के भेज दूंगा। और एक वीडियो में देखिए क्या है ना, नार्लिंग व्हील जो है, व्हील का अंदर जो बेरिंग देता है वो घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, वो क्या रहेगा ना, उसमें अगर वो बेरिंग जाम होगा तो वो भी वैसा आएगा, सीटिंग कम लगेगा, लेकिन तोड़ के यहीं पर जो जॉइंट पोजिशन पर, ये जो जॉइंट पोजिशन पर तोड़ के रख दे, फाड़ दे, इसे फाड़ मतलब खींच के फाड़ेगा, खींच के फाड़ेगा, फाड़ कर रख देगा। तो उस वक्त आप क्या करना है ना, नार्लिंग देखिए, नार्लिंग का बेरिंग फिर भी सही है तो क्यों आ रहा है, तो क्या आएगा उसलिए क्या करना है, मुझे बताता हूँ। उसको एक मोल्ड नार्लिंग का अंदर घुसाइए, नार्लिंग कप का अंदर घुसा, मतलब स्टेज जो क्लोज पोजिशन पर रहेगा, स्टेज क्लोज पोजिशन समझ रहे हैं ना, मतलब बंद पोजिशन पर, जब हीटर दब के ये सब घुस के अंदर रहेगा, उसी पोजिशन पर क्या कीजिए कि नार्लिंग का अंदर घुसा के, जैसे कि बोला था मोल्ड सेंटर कैसा करना है बताया था पिछले वीडियो में, वीडियो पूरा देखिए समझ जाएंगे, ऐसे आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा देख के मशीन पे हाथ मत लगाइए, पहले से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आप में से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब माइनर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, और मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा, फिर भी वीडियो पूरा देख के उसके बाद मशीन खोलिएगा, नहीं तो अगर कोई भी डाउट हुआ तो फिर वीडियो कॉल करने से आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा कमेंट कीजिए, और कौन सा बारे में आपको जानकारी चाहिए, मशीन के कौन सा प्रॉब्लम के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट में कीजिए, कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा आपको। ओके, उसको क्या करना है ना, नार्लिंग का अंदर घुसाना है, घुसा के देखिए एक पेपर डाल के चारों तरफ घूमता ही नहीं, पेपर तो घूमेगा, मोल्ड घूमता ही नहीं, फिर से अंदर एक पेपर, जैसे कि दो पेपर अंदर घुसना चाहिए, एक अभी तुम लेटेस्ट मॉडल में एक पेपर घुसता है, पहले पुराना जमाने वाला मशीन में दो पेपर घुसता था, अभी एक पेपर घुस रहा है, क्योंकि उसका प्लस रखते हैं, नार्लिंग का जो कॉप रहता है वो 0.8 कितना प्लस रहता है, उसलिए क्या करना है ना, उसको घुसाइए, घुसा के देखिए हो गया, वो सेंटर हो गया, मोल्ड का ऊपर बोला था, ऊपर फिर देखूंगा, देखाऊंगा और एक वीडियो में पूरा अच्छा से बना के दिखा दूंगा, देखा के बनाऊंगा, मेरे पास मशीन नहीं है, क्या करूँ, मैकेनिकल हूँ, कहाँ कहाँ भागता रहता हूँ, जहाँ जैसे वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, उसको ऊपर का चार पोल लूज करके नारिंग प्लांट्स को इसे धीरे धीरे हल्का सा हाथ से वो ये कीजिए, ये तो हाथ वाला से कीजिए, हल्का हल्का टाइट करके उसको सेंटर कीजिए, वो जो नारिंग का अंदर एक मोल्ड सेंटर हो गया, सोच लीजिए सेंटर हो गया, उसके बाद नारिंग को भी सेंटर कर दीजिए, एक मोल्ड के हिसाब से नारिंग को भी नीचे से बोल्ट बोल्ट लूज करके उसको नारिंग स्टेज जैसे सेंटर करना है बता दूंगा, सेंटर कर दीजिए, सेंटर करने के बाद टाइट कर दीजिए उसको, टाइट करके उसके बाद क्या करना है, प्रेशर थोड़ा दो राउंड, एक राउंड कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर होने से भी वैसा ही होगा, क्योंकि बेरिंग जाम होगा, जाम होने से फाड़ देगा, प्रेशर एक डेढ़ राउंड कम कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है ना, उसको एक 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 मोल्ड, आठों मोल्ड अंदर घुसा के, नाले के अंदर घुसा के मोल्ड भी सेंटर कीजिए, सेंटर हो गया मोल्ड, उसके बाद होल्डिंग का अंदर डालिए, होल्डिंग में बताया था 5 कोन डाल के सेंटर करते हैं,
पांच कोन पकड़ना है, ऐसा पांच कोन, उसका नीचे वाला हिस्सा ये जो व्हाइट वाला हिस्सा निकाल देना है, काट देना है, पांच कोन डाल दीजिए, चार पांच कोन डाल दीजिए, फोल्डिंग प्लेट नीचे से नहीं, फोल्डिंग का नीचे से नहीं, फोल्डिंग प्लेट का ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ, तीन चार बोर्ड लगाया उसको लूज कर दीजिए, अंदर बैठा दीजिए, बैठना आराम से धीरे 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 हैंडल घुमा के, हाँ चालू करके मत कीजिएगा, नहीं तो अंदर फोल्डिंग प्लेट बैंड हो जाएगा, जबरदस्ती बैठेगा बैठेगा, हैंडल से घुमा के उसको कीजिए, वो टाइट से जाएगा पूरा, उसका सेंटर हो जाएगा, फिर बोल्ट टाइट कर दीजिए, उसके बाद डाउन कर दीजिए, हो गया, उतना ही उसका प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, पक्का सॉल्व हो जाएगा। और को फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा प्रॉब्लम में ये आप लोग को जानकारी चाहिए, जो प्रॉब्लम जानकारी चाहिए, जो अगर भगवान की दया से मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे जितना पता होगा मैं उतना अपना सब बताऊँगा आपको धीरे 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 करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट आप लोग को जो मतलब जो चाहिए जो वीडियो, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ बोलने का कुछ गलत तरीका है तो सही करने के लिए आप वीडियो बनाए मतलब कमेंट भेज दीजिए, मैं बना के भेज दूँगा। ठीक है, आज के लिए।